हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देखे राज टेक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तो फ्रेंड्स, भाई को सपोर्ट करो क्योंकि यूट्यूब पर नया हो, तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्ले स्टोर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं लो बजट फ़ोन के वजह से, क्योंकि हम लोग का फ़ोन काफ़ी हैंग होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पर जाते हैं। पर स्क्रीन पर जाने के पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये फ़ोन के जो हैंग होता है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी फ़ायदा होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो। और फ्रेंड्स, भाई को प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि नया यूट्यूब पर, पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए, प्ले स्टोर तो शायद सभी यूज़ करते होंगे, शायद नहीं सभी यूज़ करते हैं प्ले स्टोर। पर प्ले स्टोर पर ऐसे फीचर्स हैं जो सबको नहीं पता होता है, ऐसे ट्रिक्स भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्ले स्टोर के ऐसे ट्रिक्स जिसको आप चेंज करेंगे तो आपका जो फ़ोन का जो हैंग प्रॉब्लम लैग करता है वो परमानेंट सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम लोग को सेटिंग पे जाना है, नीचे सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑटो अपडेट ऐप है वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओवर एनी नेटवर्क और ओवर वाईफाई ओनली, हम लोग को ये दोनों हटाना है, इन दोनों से हटाना है। हम लोग को क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप, यहाँ पर क्लिक कर। डोंट ऑटो अपडेट ऐप का मतलब क्या होता है कि हम लोग का फ़ोन पे ऑटोमेटिक ऐप अपडेट होता रहता है। तो ऑटोमेटिक होने से क्या होता है, हम लोग का फ़ोन काफ़ी हैंग या लैग हो जाता है, हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ होता है हैंग होने से। तो फ्रेंड्स, इस सेटिंग को डन करने के बाद मैं पूरा गारंटी देता हूँ आपका फ़ोन लैग और हैंग नहीं करेगा, मक्खन की तरह आपका फ़ोन जो है चलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिक्स और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और शेयर करो। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आप सबसे मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया पर अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन को ज़रूर मानिए, क्योंकि ये जो बीमारी है काफ़ी डेंजरस है। तो आप लोग बाहर जाएंगे, इस जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है कि आप लॉकडाउन में घर पे ही रहे, उसको आप नहीं मानेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा हमारे कंट्री पर। तो फ्रेंड्स, यही रिक्वेस्ट है कि घर पे रहे, सेफ रहे और अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कल मैं एक और एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।